आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले बजट पे मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हुआ। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए।